ये मनाजर आप देख सकते हैं। बुशरा बीबी पहुंची हैं कंटेनर पर, और कंटेनर पर पहुंचते ही आज इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी ने ऐलान किया है कि हम इमरान खान को लिए बगैर वापस नहीं जाएंगे। सो आप ये मंजर देख सकते हैं, बुशरा बीबी कंटेनर पर पहुंची हैं और आगे से तमाम तर सूरत हाल देख रही हैं, तमाम तर सूरत हाल का जायज़ा ले रही हैं। साथ अली अमीन गन्नापुर मौजूद हैं और बाकी तमाम तरीक इंसाफ की लीडरशिप भी मौजूद है। बुशरा बीबी कंटेनर पर पहुंच चुकी हैं और आप देख सकते हैं आगे लोग वेव कर रहे हैं, लोग हाथ हिला रहे हैं और इनके पहुँचने से वर्कर्स को हौसला मिला है। ये बुशरा बीबी अभी कंटेनर पर मौजूद हैं, साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो मौजूद हैं। ये मंजर है इस टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जुलूस का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो काफिला है वो जा रहा है आगे डी चौक की जनब। और आज जो बुशरा बीबी ने अहम ऐलान किया है वो ये किया है कि हम इमरान खान को लिए बगैर वापस नहीं जाएंगे। सो ये मंजर है इस टाइम और आप ये सूरत हाल देख सकते हैं। अभी जो बुशरा बीबी हैं कंटेनर पर पहुंची थी और अभी वापस जा रही हैं, और पीछे की सूरत हाल आप देख सकते हैं। अवाम की एक कसीर तादाद मौजूद है, अवामी समंदर मौजूद है जो इस काफ़िले में शरीक है। अली अमीन गंडापुर मौजूद हैं, इसके अलावा तहरीक इंसाफ के जो हैबर पख्तूनख्वा की सीनियर लीडरशिप है वो भी इस कंटेनर पर मौजूद है। और ये अटक पुल क्रॉस हो चुका है, अटक क्रॉस होने वाला है अभी, कटी पहाड़ी की जनब डवा दवा है। अगर कटी पहाड़ी आज ही रात क्रॉस हो गई तो समझे डी चौक पहुँच गए। लेकिन क्या होता है, क्या मंजर होता है, क्या सूरत हाल होती है, आपको दिखाते रहेंगे। अवामी समंदर आप देख सकते हैं, आवाम चल रही है। और आज बुशरा बीबी के पहुंचने से जो वर्कर्स को हौसला मिला है और आज आके उन्होंने ऐलान किया है हम खान को लेकर